अस्सलाम वालेकुम। तो नाजरीन, मुतारिफ कराते हैं आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से, जो कोपारा से निकलकर गुज़श्ता दिनों के बारिशों की वजह से आ रही है। सुनने में आया है कि बहुत सारा नुकसान इस सैलाब की वजह से वहां के मुकामी लोगों को झेलना पड़ रहा है। हालांकि कुछ देर की खबर थी कि कोपारा से लोलाब का मेन रोड सैलाब की वजह से ब्लॉक हो चुका है और सैलाब की वजह से एक पुल भी तहस नहस हो चुका है, लेकिन इंतजामिया ने इस चीज को मद्देनजर रख कर बहाली का काम भी शुरू कर दिया। जी हाँ नाजरीन, कोपारा से लोलाब मेन रोड और भी बहुत सारा नुकसान हो चुका है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास नुमाइंदे वसीम राजा कोपारा से। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ इस हवाले से खबर है। जी वसीम राजा, आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आप हमारे नाजरीन को मुतारिफ करें कि क्या कुछ खबर है इस हवाले से, सैलाब से क्या कुछ नुकसान हुआ है और क्या कुछ लोगों को इस चीज से झेलना पड़ रहा है। जी सकीना, जब हम सुबह यहाँ खुमरियाल में पहुँचे तो यहाँ जो सैलाब आया था उसने पूरा तहस नहस किया था। कई जगहों पे मतलब जो खेत हैं या जो ड्रेनेज सिस्टम है या जो नाली नदियाँ हैं वो पूरी तरह से बिखर चुकी थी जी। तो एक पुल जो पेट्रोल पंप के नज़दीक है वो भी डैमेज हुआ था, तो कई देर तक ट्रैफिक को रोका गया था। तो उसके बाद जब डीसी साहब मौके पे पहुंचे तो उसने यहाँ पे पूरे अच्छी तरीके से देखा और मौका किया, तो उसके बाद ट्रैफिक को बहाल किया गया। जी वसीम राजा, आप नजर बनाए रखे, आपका बहुत शुक्रिया।